arriva! कि मेरी जिम्मेदारियां जो हैं 2019 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके तरफ इशारा मेरे नौजवान साथी जनाब आगा रहुल्ला मेहदी साहब ने भी अपनी तकरीर में की। ये जानते हुए कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मैंने अपने साथी जनाब डॉक्टर शफी साहब से गुजारिश की कि मेहरबानी करके रोजमर्रा के जो मसले हैं, मेरे साथियों के साथ जो तालमेल बनाना है, तंजीम को जो मजबूत करना है, इसमें आप मेरा हाथ बढ़ाएं और बीरवा के लोगों की आप नुमाइंदगी करें। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोग मेरे दिल से दूर नहीं। मैं जहां पे भी अपने आप को पाऊंगा, मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आपने मेरे ऊपर जो 2014 में एहसान किया, उस एहसान को मैं मरते दम तक चुकाने का काम करता रहा। रास्ता आसान नहीं है, हमारी एक ही लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक सियासी तंजीम से नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि पूरे मुल्क की सियासत एक तरफ और हम एक तरफ, मुकम्मल 2019 के बाद ये कोशिश की गई थी कि हमारी आवाज खत्म की जाए, हमारी तंजीम जो है उसको खत्म किया जाए, हमारे वर्करों को परेशान, हमारे लीडरों को परेशान, घरों में अफरा तफरी मची, भाई को भाई से अलग किया गया, बाप को बेटे से अलग किया गया। लेकिन हम घबराए नहीं, हमने अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो इंसाफ की लड़ाई है, वो सच की लड़ाई है, वो हमारे शनाख्त की लड़ाई है, हमारे पहचान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारे वकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सौदाबाजी नहीं कर सकते, ना आगे जाके सौदाबाजी करेंगे। हमें ताने दिए जाते हैं कि आप 370 की बात करते क्यों हो, इसमें है क्या? 370 सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, 370 सिर्फ हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हमारा बचाव 370 से हुआ। अगर शेरे कश्मीर ने उस वक्त लैंड टू टिलर प्रोग्राम लाया, अगर उस वक्त जमींदारों से जमीन छीन के यहां के गरीब आवाम के हाथ में वो जमीन दी, वो सिर्फ तभी मुमकिन हुआ जब यहां 370 था। अगर यहां 370 नहीं रहा होता, आज हम अपने जमीन के मालिक नहीं होते। पूरे मुल्क को 60 साल लगे मुफ्त तालीम देने में, अगर शेर कश्मीर ने सालों साल पहले यहां के बच्चों बच्चियों को मुफ्त तालीम यूनिवर्सिटी के लेवल तक ऐलान किया, वो तभी मुमकिन हुआ तब कि 370 कानून जो है वो आईन में दर्ज था। 370 का कानून सिर्फ झंडे की लड़ाई नहीं है, हमारी गुर्बत के खिलाफ लड़ाई, उसमें 370 हमारे नौजवानों के रोजगार की लड़ाई, उसमें 370 हमारी आवाज आजादाना तरीके से अपने मजहब को आगे ले जाना, उसमें 370।
और कभी कभार जब मरकज के साथ हमें टक्कर लेने की जरूरत पड़ी आईनी और सियासी तौर, उसमें भी आगे जाके भी हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। हम अपने मौकूफ से पीछे नहीं हटेंगे। हम ये स्टेज या ये नारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को विरासत में दी गई है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जहां हम 370 की लड़ाई लड़े, जहां हम अपने आईन की लड़ाई लड़े, जहां हम अपनी शनाख्त पहचान तहफूज की लड़ाई लड़े, वहां हम मरकज को याद दिलाएं कि उन्होंने कौन से झूठ हमें सुनाए, कौन से धोखे दिए। जम्मू कश्मीर के आवाम को 2019 में कहा गया कि आपकी तरक्की में रुकावट सिर्फ 370 है, 370 हटते ही आपकी तमाम शिकायत जो है वो दूर की जाएगी। नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट 370 और ये 370 को चलाने वाले हल वाले हैं। हर घर में कहा गया था कि 370 हटे तो बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, तरक्याती कामकाज अजूर पे होंगे। वो दिन और ये दिन 370 तो उन्होंने हटाया, लेकिन उसके बरक्स तबाही और बर्बादी के अलावा यहां के लोगों को दिया क्या? हम उन लोगों में से नहीं है जो 370 छोड़ के बिजली सड़क पानी की बात करते हैं। मैं तो यहां कहता हूं कि बिजली सड़क पानी देना हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और हर हुकूमत को यह काम करना होगा। लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि जहां हम बिजली सड़क पानी का काम भी करेंगे वहां पे हम 370 की लड़ाई भी जारी रखेंगे जब तक कि ना हम इसको हासिल करके रहेंगे। लेकिन ये कहां का इंसान? कहने के लिए तो यहां के आवाम को कहा गया कि 370 हटने के बाद शिकायत मत करो, एहतजाज मत करो, इसके खिलाफ मत कुछ बोलो और हम आपको बेहतर हुकूमत देंगे। कहां गई वो बेहतर हुकूमत? आज कम से कम 12-12, 14-16 घंटे बिजली कट, हर घर में नए मीटर और तूफान के मीटर, पता नहीं कहां से लाते हैं ये। पहले तो कहा था कि मीटर लगाओ हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, फिर कहा कि आप डिजिटल मीटर लाओ, डिजिटल मीटर से निजाम बदल जाएगा। लोगों ने डिजिटल मीटर लगाए, जुमा जुमा हफ्ता नहीं हुआ कहा ये डिजिटल मीटर ये चला नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लाएंगे। और स्मार्ट मीटर भी ऐसा तूफान का, पहले इसमें पैसा भरो, बाहर से बिजली आती नहीं है, मीटर में से पैसा जो है निकलना शुरू हो जाता है। बिजली कहीं नहीं, मस्जिदों में आज लकड़ी हुकूमत के तरफ से फराहम नहीं होती, बिजली वो दे नहीं पाते। कम से कम मस्जिदों में थोड़ी बहुत गर्मी लाने के लिए अगर वहां हमाम जलाने की भी जरूरत पड़े वहां पे भी लकड़ी का आज बंदोबस्त कहीं नहीं। राशन के नाम पे लोगों के साथ धोखा, कट करते 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 फी कार्ड पे ये 5 किलो राशन चावल पे आ गए। 5 किलो चावल के बाद कहते हैं आटा ले लो। अब ये समझते नहीं है, हम आटा खाने वाले लोग नहीं है,
हम खाने के साथ रोटी नहीं खाते, हम चावल खाने वाले लोग हैं। बेशक चाय के कप के साथ हम रोटी का एक पीस खाते हैं, लेकिन जब हमें खाना खाना होता है हमें चावल चाहिए। 5 किलो चावल से किसका गुजारा होगा? और उस 5 किलो चावल के लिए भी आज हमारे लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज हमारी बहनों को कहा जा रहा है कि राशन स्टोर में आओ और अपने अंगूठे का निशान लगाओ। रोज इनके चक्कर लगते हैं वहां अंगूठे का निशान लगाने के लिए, मिलता कुछ नहीं है वहां से। यही हाल हमारे बेरोजगार नौजवानों का। कोई महकमा नहीं है आज जिसमें रोजगार के पोस्ट खाली नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 6,500 पोस्टें खाली, बाकी भी महकमों में भी हजारों की तादाद में पोस्ट खाली और भरने का काम नहीं हो रहा। तभी तो हम मजबूर होते हैं इनसे पूछने पे कि 370 हटने पे आपने कहा कि यहां हालात बेहतर होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हम जब बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं या 370 को बचाने की बात करते हैं तो क्यों? क्योंकि हम अपना हाल यूपी की तरह नहीं देखना चाहते। देखिए क्या नया कानून पिछले दिनों यूपी की हुकूमत ने लाया। वहां पे यूपी में आज किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगाना अब जुर्म हो गया है। अगर किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगा हो आप अपने घर में वो चीज रख नहीं सकते हो। आज यूपी हुकूमत के तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिस पे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा सीधा मुसलमानों पे आज सियासी तौर और कानूनी तौर ये वार किया जा रहा है। क्यों? मैं पूछता हूं उन लोगों से जिन्हें आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का झंडा थाम के रखा हुआ है। अरे नाब, जमहूरियत आपको खुली इजाजत देती है आप किसी भी जमात का झंडा पकड़िए, लेकिन ये कहां तक है ना कि आप अपनी जबान जो है उसको बेच डालो। क्या हलाल का मोहर भी लगाना आज गलत हो गया है? क्या इसके खिलाफ आप लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हो? और यही हाल अल्लाह ना करे अगर इन लोगों की हुकूमत जम्मू कश्मीर में आई, जो हाल मुसलमानों का ये यूपी में कर रहे, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता यहां पे करेंगे। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए 370 को बचाने के लिए, 35A को बचाने के लिए, अपनी रियासत वापस लाने के लिए, ताकि जो यूपी के मुसलमानों का हाल हुआ है वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का हाल नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब तक जम्मू कश्मीर के एक भी घर में ये हल का निशान आपको नजर आएगा तब तक हम जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात कभी बनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हम हुकूमत के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। तभी तो मैंने कहा कि जब तक हम जम्मू कश्मीर को ठीक नहीं करते मुझे यहां की हुकूमत की भागदौड़ संभालनी नहीं है, मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। मैंने 6 साल किए, मुझे अगर शौक है, मुझे अगर जज्बा है वो यहां के लोगों की खिदमत करने का जज्बा है, यहां के लोगों की इज्जत बचाने का है, यहां के लोगों के मुस्तकबिल को बचाने का है। हुकूमत बाकी करें जिनको करना है, जो सौदा करके हुकूमत करना चाहते हैं उनको खुली छूट है, करें। मैं कम से कम उनमें शामिल नहीं हूं।